हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूड टेक ऑनलाइन। आज हम देखने वाले हैं विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे, जो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है और इससे रिलेटेड बाकी जो फैक्ट हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम्स में भी जाने जाते हैं और एज अ फूड या फिर अदर अलाइड फूड सेक्टर की डिग्री करते हुए आपको इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले, जैसा हम सबको पता है कि आज के दिन 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1945 के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन के अंदर। अब देखो, अब इसका अगर हम थोड़ा इतिहास देखें तो सबसे पहले हमारे जब वर्ल्ड वॉर 2 यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी IIA के नाम से, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से। लेकिन जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता है तो इटली में जो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी सिचुएटेड थी या स्थित थी, ये उस दूसरे विश्व युद्ध के कारण एक तरह से अपना काम करना बंद कर देती है या तबाह हो जाती है। तो तब अमेरिकी राष्ट्रपति यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम एक दोबारा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो विश्व स्तर पे हमारे फूड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करे और हर व्यक्ति को प्रॉपर फूड मिले, मेल न्यूट्रिशन ना हो। साथ में जो हंगर की प्रॉब्लम है बड़े बड़े देशों में, विश्व युद्ध में आप सबको पता है बहुत ज्यादा हानि हुई थी सभी देशों की, और भुखमरी जैसे कई देशों में हालात हो गए थे। तो उस सब से कैसे डील करें, इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक प्रस्ताव दिया, क्यों ना हम इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करें जिसके अंदर सारे देश साथ में आके इन बड़े फूड रिलेटेड इश्यूज को टैकल करें। तो इसी उपलक्ष में हमारे 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है। और इसका गठन वैसे तो कई मीटिंग्स के बाद में हुआ था, लेकिन इसके गठन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया था वो थे सर जॉन बॉयड। और इन्हीं के प्रयासों से हमारा 1945 के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है और इसकी हमें पहली मीटिंग देखने को मिलती है। और इसी कारण से इन्हें हमने हमने इनके इन प्रयासों के कारण से नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1949 का, नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि इन्हीं के एफर्ट्स के कारण मेनली इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो पाई थी। तो 1945 में सर जॉन बॉयड ऑर को नोबेल प्राइज दिया जाता है पीस के लिए, FAO की स्थापना करने के लिए। साथ में ये FAO के हमारे पहले चेयरमैन भी रहे थे। तो आपसे इधर दो तीन चीजें पूछी जा सकती है कि एज अ फैक्ट कि सबसे पहले FAO की स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को, इसके पहले चेयरमैन कौन थे, सर जॉन बॉयड ऑर, और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने के लिए 1949 में। ये तो हो गए हिस्ट्री से सवाल। अभी अगर हम बात करें तो आज की डेट में यानी 2024 के अंदर जो इसके प्रेसिडेंट है हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम है डॉक्टर क्यू डोंगयू। ठीक है, ये चाइना के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर रहे हैं फूड सेक्टर से रिलेटेड, और इन ये 2019 से लगातार हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं और इनका टेनर अभी बढ़ा दिया गया है, यानी इनका कार्यकाल अभी और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास FAO से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक चीज और रह गई कि जो हमारा FAO है उसका जो पहले हेडक्वार्टर था हमारा, वो दरअसल हमारा वॉशिंगटन DC के अंदर होता था। किसमें होता था, वॉशिंगटन DC के अंदर। अब मैंने आपको बताया FAO का जो एस्टेब्लिश करने में सबसे मुख्य भूमिका हमारे अमेरिका की रही थी, इसी वजह से इसके जो पहले हेडक्वार्टर था वो हमारा अमेरिका के ही एक शहर में, या फिर अमेरिका की जो हमारी कैपिटल है उसके अंदर था, USA की कैपिटल के अंदर, जिसका नाम है वॉशिंगटन DC। अब बाद में 1951 में क्या होता है, इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया जाता है रोम के अंदर, रोम इटली के अंदर। ठीक
ठीक है, तो अभी जो हमारा करंट में FAO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? रोम, इटली। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई एग्जाम में पूछा गया है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको सीधा से याद रखना है FAO का जो करंट हेडक्वार्टर हमारा है वो है हमारा रोम, इटली के अंदर में। इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए। अब क्या होता है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, अब हमें फूड डे के बारे में देखना है। तो देखो, 16 अक्टूबर को बनाया जाता है और ये ग्लोबल मूवमेंट की तरह बनाया जाता है हंगर को एंड करने के लिए। अब देखो, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो हमें जानने वाली है कि दुनिया में FAO कहता है, ये FAO का डाटा है 2024 का, ठीक है। FAO कहता है कि टोटल दुनिया में 730 मिलियन लोग, ठीक है, कुल मिला के 730 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हंगर के अंदर आते हैं या फिर हंगरी है, यानी उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। और इसके अलावा दूसरा डाटा कहता है कि 1 बिलियन से ज्यादा, अब आपको पता है दुनिया की आबादी कितनी है, 7 बिलियन, और उसमें से भी 1 बिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं दुनिया में, 1 बिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि हेल्दी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो क्या नहीं कर सकते, हेल्दी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी उनके पास इतने रुपए भी नहीं है कि वो अच्छा खाना या न्यूट्रिशियस खाना जिससे उनकी हेल्थ मेंटेन रहे वो अफोर्ड कर पाए। तो हेल्दी फूड अनअफोर्डेबल है इतने लोगों के लिए, ये FAO कहता है। तो ये दो डाटा है, इनसे आप सीवियरिटी समझ सकते हो कि दुनिया में जो भोजन है या फूड है उससे रिलेटेड कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। आगे हम इंडिया के बारे में भी डाटा देखते हैं। तो मेन तो इसका कारण यही था कि दुनिया भर में सारे देश मिलके हंगर या फिर जो भुखमरी है इनके खिलाफ एक साथ लड़ पाए, इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है ताकि लोगों में एक तरह से अवेयरनेस आए, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन द कम्युनिटी एंड अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज व्हेन इट कम टू हंगर द ओनली एक्सेप्टेबल नंबर इज 0। अब ये कह रहे हैं कि अगर हंगर की बात आए तो इसका ओनली एक्सेप्टेबल मतलब जो हम एक्सेप्ट कर सकें या जिसके नंबर को देख के हम संतुष्ट हो सकें वो है 0, कि दुनिया में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, यही इस वर्ल्ड फूड डे का मेन एम है, कोर एम है। बाकी अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड फूड डे के हम मेन देखने जाएं ऑब्जेक्टिव क्या थे या किस दिशा में वर्ल्ड फूड डे वर्क करता है, तो वर्ल्ड फूड डे के मेन 4 ऑब्जेक्टिव हम मान सकते हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड, डाइवर्सिंग ऑफ फूड या डाइवर्सिटी ऑफ फूड। दूसरा हमारे पास आता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड या फिर अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड। तीसरा पॉइंट इसका आता है सेफ्टी ऑफ फूड या फिर सेफ फूड। और चौथा पॉइंट या फिर चौथा ऑब्जेक्टिव जो आता है वो आता है हमारा न्यूट्रिशियस फूड या फिर न्यूट्रिशन। अब इनको समझते हैं, जो हमारा वर्ल्ड फूड डे या FAO है वो 4 मेन ऑब्जेक्टिव को लेके अपना वर्क करता है, जिसमें पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड। जो हमारा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक इसके लिए थीम भी लॉन्च किया था, वन कंट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट, मतलब हर देश का कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि उसको पूरी दुनिया से अलग बनाए और उसकी मदद से वह इस हंगर के खिलाफ जो जंग है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी तरफ से और दुनिया को हंगर फ्री होने में मदद कर पाए। तो जो भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड है, अब आप सबको पता है कि एक ही तरह की क्रॉप तो हम ये जो नीड्स है हंगर को मिटाने के वो पूरी नहीं कर सकती, तो इसमें हम मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करें, नए नए तरह के क्रॉप्स उगाएं और प्रोडक्शन हाई करने के लिए नए नए तरीके की हम प्रोडक्शन या फिर जो भी कल्टीवेशन है उन पे जोर दें। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे इंडिया में भी पहले तो सिर्फ गेहूं की खेती होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल से मिलेट्स के लिए बहुत एफर्ट किया जा रहा है कि जो मिलेट्स हैं, बाजरा है, बाकी अलग अलग तरह के हमारे जैसे रागी है, ये जो अलग अलग मिलेट्स हैं इनकी ग्रोथ पे भी फोकस किया जाए ताकि हम ग्लोबल लेवल पे फूड को टैकल कर पाए। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, अब मैंने आपको बताया कि दुनिया के लगभग 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो हेल्दी फूड अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो हेल्दी फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है, दुनिया के हर पर्सन तक पहुंच पाए जिससे वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए जो कि उसका एक बेसिक राइट है, ये प्रोवाइड कराना। तीसरा सेफ्टी, फूड में जो एडल्ट्रेशन होती है, जो खराब तरीके का फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं जिनसे बहुत सारी हेल्थ डिजीजेज हो जाती है, सीवियर केसेस में तो डेथ भी हो जाती है,
उन सब से सेफ्टी रखना, ह्यूमन हेल्थ का प्रोटेक्शन करना, पब्लिक हेल्थ में कोई भी डिजीज स्प्रेड होने से बचाना फूड से, वो सब भी एफएओ इसकी तरफ अपना ऑब्जेक्टिव मानता है। और चौथा है न्यूट्रिशन। दुनिया भर में जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं और जो भी कंज्यूमर हैं, वो फूड प्रोडक्ट उन कंज्यूमर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, ताकि जो मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर चिल्ड्रंस के अंदर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो चिल्ड्रंस है, खासकर उनके अंदर, उसको टैकल किया जा सके। और जो चिल्ड्रंस की डेथ का मेजर कारण इन देशों में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल रहा है, उसको भी रोका जा सके। तो ये मेन हम चार मेन ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं वर्ल्ड फूड डे क्यों मनाया जाता है या एफएओ किस तरफ एफर्ट करता है। अब बात करते हैं मेन गोल क्या है वर्ल्ड फूड डे का। वही गोल है कि हमें हंगर को एलिमिनेट करने के लिए अवेयरनेस बढ़ानी है। सबसे जरूरी है अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि अवेयरनेस होगी लोगों के अंदर, तभी जो हंगर से रिलेटेड चैलेंजेस है, मेल न्यूट्रिशन है, इन जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन हम साथ मिलकर निकाल पाएंगे। और ये आप सबको पता ही है कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे डे बनाए जाते हैं, वो मेनली अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड फूड डे हो गया, वर्ल्ड टाइगर डे हो गया, वर्ल्ड वाटर डे हम जो बनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, वो उन सब का मेन मोटिव यही होता है कि लोगों को इन चीजों की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगे और उनमें अवेयरनेस हो कि इन चीजों को एक तरह से कंजर्व कैसे करें, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है दुनिया भर में लोगों को, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, पूरी दुनिया को एक साथ जोड़कर या आपस में मिलकर। तो यही इसका मेन एम है। यहाँ पे एक टैगलाइन भी दे रखी है कि हंगर किल्स मोर पीपल एवरी ईयर देन मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स कम्बाइंड। अब आप समझ सकते हैं कि मलेरिया, टीबी और एड्स, जिनको हम सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक मानते हैं, उनसे भी ज्यादा मौतें हंगर के कारण हो जाती है दुनिया भर में। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अराउंड 730 मिलियन पीपल दुनिया के आजकल हंगर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और ये नंबर शायद अब और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि आप सबको पता है दुनिया में जैसे जैसे वॉर्स बढ़ रहे हैं, हमारे कई देशों में आसपास अभी आप देख ही रहे हो, भले ही वो हमारा इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे क्या होगा कि हमारे जो फूड रिलेटेड रिसोर्सेज है वो और ज्यादा कम होंगे और हंगर क्राइसिस बढ़ेगा। पूरा अफ्रीका इसी कारण से, इन वॉर्स के, सिविल वॉर्स के कारण आजकल हंगर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो आप इससे इसे सीरियस में समझ सकते हो कि टीबी एड्स जैसी जो बड़ी बीमारियां, उनसे भी लोग नहीं मरते जितने हंगर से मारे जाते हैं दुनिया भर। कि मेन ऑब्जेक्टिव या फिर इस डे को बनाने के पीछे मेन कारण क्या है, ठीक है, और उसके लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा कि दुनिया में जो हंगर है उसके पीछे मेन प्रॉब्लम्स क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। अब इसका मतलब ये है कि जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, खासकर जो भी फूड सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, फार्मर्स हैं, उन सबको, और उनमें अवेयरनेस पहुंचाई जाए, ताकि दो चीजें हों। पहला तो जो फूड का वेस्टेज है वो कम से कम किया जा सके, तो लोग अवेयर होंगे कि फूड वेस्टेज से कितने लोग भूखे रह जाते हैं, तो वो उस फूड वेस्टेज को कम करेंगे। दूसरा, जो भी मेल प्रैक्टिसेस हैं, यानी अडल्ट्रेशन हो गया किसी भी का फूड प्रोडक्ट का, या फिर गलत मीन से फूड प्रोडक्शन बढ़ाया गया हो, कोई भी हेल्थ के लिए खराब केमिकल यूज कर लिया हो, उन सबको भी रोका जा सकेगा अगर प्रॉपर अवेयरनेस होगी लोगों के अंदर तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इंकरेज द अटेंशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड दिस मे बी डन बाय प्रमोशन ऑफ फार्मर्स टू एग्रीकल्चर। यानी कि दूसरा, जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड दिया जा सके, फार्मर्स को, जैसे मैंने आपको बताया, अवेयर किया जा सके कि ये केमिकल हार्मफुल है, इसको क्रॉप में कम इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल करें, इन सब के लिए अवेयर किया जा सके, बताया जा सके कि अच्छा फूड कैसे कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। तीसरा, टू फाइट जॉइंटली विद अदर कंट्रीज अगेंस्ट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक ना कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके कि जो भी नीडी कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनको प्रॉपर असिस्टेंट प्रोवाइड की जाए हंगर से लड़ने के लिए, ताकि वो इस हंगर के खिलाफ जो जंग है ग्लोबल लेवल पे, उस पे आगे बढ़ सके और इसे हंगर को अपने देश से कम कर पाए। अब आ जाती है टू एक्सचेंज टेक्नोलॉजी टू हैव बेटर प्रोडक्शन। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है प्रोडक्ट कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए, उसको पूरी दुनिया में स्प्रेड किया जाए इजीली, ताकि
ताकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन पूरा पर नहीं है या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लेबर प्रॉपर नहीं है, इसके कारण भी लोग भूखे रह जाते हैं, तो उन कंट्रीज के पास भी अगर टेक्नोलॉजी होगी तो फूड क्वालिटी बढ़ेगी उस देश की। देन टू इनकरेज इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, लास्टली टू इन्वॉल्व रूरल पॉपुलेशन बिकॉज द एग्रीकल्चर इज आर कंट्री इन इज बेस्ड ऑन रूरल एरिया। तो वही बात है कि रूरल जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, और मेन इसमें जो रोल होगा वो अर्बन लोगों का होगा, हम जैसे लोगों का जो खेती से डायरेक्टली जुड़े भी नहीं है, क्योंकि जो मेनली फूड वेस्टेज हमें देखने को मिलता है वो अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलता है। हम बहुत सारा खाना छोड़ देते हैं या खराब कर देते हैं या उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मेन जो हंगर की प्रॉब्लम है वो रूरल से ज्यादा मुझे लगता है अर्बन एरिया में जो अवेयरनेस नहीं है फूड की स्कैर्सिटी को लेके, कमी को लेके, उसके कारण होती है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड जो फूड डे है वो मनाया कब से जा रहा है, ये मैंने आपको बता देता हूँ। 1979 से सबसे पहले इस इनिशिएटिव की शुरुआत होती है एफएओ के द्वारा, और उसके बाद से लगातार बनाया जाता है, और 1981 से इसकी हर साल थीम को भी चेंज किया जाता है। जैसे 81 में सबसे पहले फूड कम फर्स्ट की थीम आती है, उसके बाद हर साल इस थीम को बदला जाता है, अलग अलग जो इशूज है जिनको सॉल्व करने की जरूरत है उसको उभारा जाता है ताकि हम फूड किससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाएं। जैसे किसी साल हम कह देते हैं कि हमारे जो थीम है वो फूड सिक्योरिटी है, किसी साल वुमेन इन एग्रीकल्चर यानी वुमेन का रोल है, कभी रूरल यूथ आपको देखने को मिलता है कि यूथ का क्या रोल है रूरल यूथ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में या फिर फूड की जो स्कैर्सिटी है उसको कम करने में। देन फाइट हंगर टू रिड्यूस पॉवर्टी, इसी तरीके से हर साल बहुत सारी थीम आती है। अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, भले ही आप फूड से रिलेटेड पेपर दे लो या कोई भी जनरल नॉलेज का पेपर दे लो, हर साल पूछे जाने में मोस्ट क्वेश्चंस में से एक है कि थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे इस साल की थीम क्या है। इस साल की हमारी थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। तो ये थीम आपको एग्जैक्टली याद रखनी है, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ, यानी एक अच्छे जीवन के लिए हमें फूड का राइट चाहिए, जैसे हमारे अदर फंडामेंटल राइट है कि हमें जो भी प्रॉपर इक्वलिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, वैसे ही फूड, अच्छा जो फूड है, हेल्दी फूड है, वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक राइट है प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का कि उस अगर वो दुनिया में आए तो उसे अच्छा फूड मिलना चाहिए, और उससे क्या होगा उसकी लाइफ भी बेहतरीन होगी और आने वाला जो कल है उसका वो भी संवरेगा। तो इस तरीके से आगे अगर हम बढ़े तो इवेंट्स टेक प्लेस इन 150 कंट्रीज वर्ल्ड फूड डे पे, हम सबको पता है पूरी दुनिया में अलग अलग इवेंट्स कंडक्ट होते हैं, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड फूड इंजीनियर्स डे है वो भी आज ही के दिन मनाया जाता है। अब यहाँ से देखो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया का क्या अभी स्टेटस है दुनिया के अंदर फूड के अंदर। तो देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो GHI की बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, इससे बहुत सवाल बनेंगे। तो देखो इंडिया का जो स्टेटस है ना, हालांकि हम दुनिया में सबसे अच्छे फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है, टॉप देशों में आती है हमारा नंबर फूड ग्रो करने के मामले में, लेकिन हमारा जो फूड का यूटिलाइजेशन है ना देश का वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आप इस बात को ये समझ सकते हो कि 2024 के अंदर जो इंडिया की रैंकिंग है वर्ल्ड या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर वो हमारी आई है 105 आउट ऑफ कितने में से 124 नेशंस में से हमारी जो रैंकिंग है, ये सॉरी 127 नेशंस में से हमारी जो रैंकिंग है वो है 105। ये है 2024 का, और ये कितनी ज्यादा है, दरअसल 2023 के अंदर हमारी इंडिया की रैंकिंग जो थी वो थी 111। आप सोच सकते हो कि दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में से एक होने के बाद, इतना ज्यादा एग्रीकल्चर और अदर प्रोडक्शन होने के बाद, इतना ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड होने के बाद, जहाँ जिस देश की 60% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर उसके अलाइड सेक्टर्स पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है प्रोडक्शन सेक्टर में, तो भी हमारी जो रैंकिंग आ रही है दुनिया के अंदर फूड हंगर इंडेक्स के अंदर वो 105 आ रही है, 111 आ रही है। यहाँ की जो हमसे छोटे देश है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उनकी रैंकिंग हमसे बेहतर है। तो हम समझ सकते हैं इंडिया में किस हद तक फूड का वेस्टेज हो रहा है, और इसके कई कारण है। पहला तो जो फार्मर है उसको नहीं पता कि कौन सी क्रॉप किस तरीके से प्रॉपरली उगा सके, वो अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड इनका मदद ले रहा है जिससे
फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप इफेक्ट होती है, ये प्रोडक्शन लेवल की कमजोरी है, ये फार्मर्स में अवेयरनेस नहीं है। दूसरी हमारे सेक्टर के अंदर कमजोरी आ जाती है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा कि बोरे के बोरे जो अनाज होता है वो मंडी के अंदर सड़ जाता है लेकिन नीडी पीपल तक नहीं पहुंच पाता है हमारे सिस्टम्स के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण। तो उसको सुधारने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और फिर हमारे पास प्रॉब्लम आती है जब कंज्यूमर के ऊपर या कंज्यूमर लेवल पे, जहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा फूड वेस्टेज करता है। हम डेली देखते हैं कि कितने लोग इतना ज़्यादा फूड वेस्टेज करते हैं, टन्स ऑफ फूड वेस्ट हमें इंडिया में डेली जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से चिंतास्पद है, और यही हमारे FAO ने कहा है। जब हमारी रैंकिंग 105 आई तो इसको जिस कैटेगरी में उन्होंने रखा वो थी सीरियस कैटेगरी, ठीक है। और हालांकि ये 2003 से सॉरी 23 से इम्प्रूव हुई है और टोटल इम्प्रूव हो भी रही है। 2000 के अंदर हमारी रैंकिंग 138 के आसपास थी, अराउंड 150 नेशंस में, और वो अब धीरे धीरे 138 से होती भी हमारी 105 पे आई है। लेकिन हमें एज अगर हम क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज में से एक हैं, तो हमें हमारे लोगों को जो उनकी बेसिक नीड है, फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है, वो प्रोवाइड करने पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। तो ये था इंडिया के बारे में डाटा जो हमें थोड़ा ध्यान रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, कि इंडिया का क्या स्टेटस है। इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि इंडिया 2024 के अंदर कितनी रैंकिंग आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। सो दिस इज अबाउट टुडे। आज हमने वर्ल्ड फूड डे के बारे में देखा कि इस डे को क्यों मनाया जा रहा है, कौन मनाता है, FAO के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, वर्ल्ड फूड डे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनकर आते हैं। हमने ये भी समझा कि वर्ल्ड फूड डे का मोटिव क्या है, क्यों हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फूड सेक्टर से लेकर, इंडिया की क्या कंडीशन है आज के टाइम में फूड सेक्टर के अंदर। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फूड डे। अगेन आई थिंक वी विल सेलिब्रेट दिस फूड डे विद एन अनदर एनर्जी एंड मोटिवेट आर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड अस टू डिक्रीज द फूड वेस्टेज एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द ओवरऑल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स इन आर नेशन। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए या फिर और भी फैक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, खासकर अगर आपको अलग अलग एग्जाम्स के फ्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फूड सेक्टर से रिलेटेड, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा एक बार आप फूड टेक ऑनलाइन चैनल या फिर ऐप जरूर विजिट करें। वहाँ के आपको फूड सेक्टर से रिलेटेड जो डिफरेंट नेशनल लेवल एग्जाम्स है, CUET PG, CFTIR हो, FSSAI हो, इन सब एग्जाम से रिलेटेड फ्री MCQs क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा जो कि फ्री भी है और पेड भी है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से उस कंटेंट को यूटिलाइज करके अपने इस सेक्टर के अंदर कोई भी अच्छी जॉब को इजिली सिक्योर कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट टूडे। अगेन आई विल रिकमेंड टू विजिट आर ऐप, द लिंक ऑफ द ऐप इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल मीट इन अनदर सेशन।